Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study the 7th standard maths operation on rational number, chapter number 5 and the practice set 22. Now, before going actually to the practice set, what are the rational number we are supposed to study first of all? So here, rational numbers are those numbers which are written in the form of P by Q. यहाँ पे P by Q का मतलब क्या है? P is a numerator and the Q is the denominator. P can be any number from the integers while the Q should not be equal to zero. मतलब आपका जो है P जो है वो कोई भी integer हो सकता है, चाहे वो negative हो चाहे वो positive हो, लेकिन P को zero नहीं होना चाहिए और ना ही Q को zero होना चाहिए. तो अगर इस तरह से कोई भी नंबर लिखा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. सिंपली हम आपको बताते हैं कि नंबर्स इफ आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू और ए बाय बी और बी बाय सी, सो दे आर सपोज टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में अगर लिखे हैं हमने तो फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं हम उनको सीधा सीधा रैशनल नंबर्स कहते हैं. रैशनल नंबर्स जो है इसमें नॉन जो तुम न्यूमरेटर रहता है वो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, जबकि क्यू जो है यानी हमारे डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो रहता है. नॉन ज़ीरो मतलब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. इसका कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं पी इज इक्वल्स टू इंटीजर्स वाइल क्यू is not equals to zero. Zero को जो है q को जो है zero के equal नहीं होना है, और p जो है कोई सा भी integer, चाहे वो negative integer है चाहे वो positive integer है वो हो सकता है, लेकिन q जो है वो zero के equal नहीं रहेगा. तो इस तरह से rational numbers बनते हैं. अब इन rational numbers के ऊपर हम लोगों ने different operations करके आगे की practice solve करनी है. Now listen. In the practice set 22, we are having the first question. Carry out the following addition of the rational number. आपको क्या करना है? Question जो है आपको दिया हुआ है कि कुछ rational numbers आपके पास है, उनका आपको addition करना है. तो उसमें से first है हमारे पास 5/36 + 6/42. तो इसका हमने क्या करना है? Addition करना है. लेकिन हम जब rational numbers का addition करने जाते हैं तो हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि इनका denominator सबसे पहले इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एक का 36 दिया है, दूसरे का 42 दिया है, तो इट इज नॉट इक्वल डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल फॉर द बोथ ऑफ द रैशनल नंबर्स, सो देन ओनली वी विल बी एबल टू ऐड देम. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. तो यहाँ पर 42 जो है और 36 दोनों भी किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं. 6 के टेबल में 42 आता है, 6 7 42 एंड 6 6 36 आता है. तो अब इस 42 को हमको 36 बनाना है, 36 को हमको 42 बनाना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये वाले 42 वाले जो हमारा है यहाँ पर, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 के बन जाएगा, और इसको जो है हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये 42 और ये दोनों मिलकर के हमारा इक्वल डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/36 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, प्लस 6 × 6/42 × 6 लाइक दिस वे. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 5 7 = 35 / 6 7 = 42 2 देन 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड, सो 7 3 = 21 21 + 4 = 25 सो 252 प्लस अगेन 6 6 = 36 / 6 2 = 12 1 will be carry forward, 6 4 = 24 24 + 1 = 25 so again the denominator is 252 here and here both the denominators becomes equal so now let us go for the
addition. So 252, once only we will write down, 35 plus 36 is equals to, now 6 plus 5, 11, 1 will be carry forward, 3 plus 3, 6, 6 plus 1, 7. So it's 71 upon 252 is the answer of the addition. Miss, will you explain it once again? See, here the denominator should be equal for both of the fractions or the rational number. So here what we are supposed to do to making the denominator equal, we are supposed to multiply them with the proper number by which they becomes equal in a number. So yahan pe hamare paas 36 hai, 36 ko humko dekhna hai ki kaun se table mein aata hai, aur 42 bhi hamare paas kaun se table mein aata hai. To yahan pe 36 hamare paas aata hai 7 ke table mein, and 42 is also coming in the table of 6. So 6 ke table mein ye dono numbers common hai. 36 आता है 6 के टेबल में 7th प्लेस पे, 42 आ जाता है, और 42 के लिए हम 6 लेंगे, तो यानी 36 जो है वो 6 के प्लेस में 6 नंबर पे आता है. तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने वाइस वर्सा करके उसको मल्टीप्लाई किए हैं. 36 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो यहाँ पे 5 × 7 न्यूमरेटर में भी करें और डिनोमिनेटर में भी. सो 36 × 7 प्लस 6 × 6 अपॉन 42 × 6. सो दैट विल गिव्स अस 35 upon 252 प्लस 36 upon 252. टुगेदर वी आर एडिंग देम. सो वंस ओनली वी आर सपोज टू राइट डाउन द डिनोमिनेटर एज 252. सो दैट्स वाई 35 प्लस 36 upon 252 इज इक्वल्स टू 71 upon 252. सो लाइक दैट वे वी हैव सॉल्व आर फर्स्ट ऑफ द सम. Now the next one we are going to solve. Now the second question we are having, 1 2 upon 3 plus 2 4 by 5. Now here these two rational numbers are in the mixed form, या फिर हम इनको mixed fractions भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो numbers दिए गए हैं वो mixed fractions में हैं. इनको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, proper फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इनकी एडिशन करेंगे. बहुत ही सिंपल मेथड है, हमने लास्ट ईयर भी सीखा था और हमेशा से हम ये करते आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द नंबर विच इज गिवन हियर, एंड देन दैट नंबर शुड बी एडेड विद द न्यूमरेटर. सो दैट काइंड ऑफ द फ्रैक्शन विल बी चेंज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रैक्शन कैसा चेंज होएगा, यहाँ देखिए 3 × 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 एज एन न्यूमरेटर, देन अगेन डिनोमिनेटर एज 3 प्लस देन दिस 2 × 5 प्लस 4 upon 5. सो हियर इट विल बी 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5 5 upon 3. सो इट बिकम्स 5 upon 3 प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 4 इट्स 14 upon 5. सो हियर 14 upon 5. अब यहाँ पर ये जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले इसके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों का हम एडिशन करेंगे. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको एक का 5 दिया है, एक का 3 दिया है. तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, 5 × 5 upon 3 × 5 प्लस 14 × 3 upon 5 × 3. ये हो गया. अब उसके बाद 5 5 ज़ा 25 upon 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 will be carry forward, 3 1 ज़ा 3 and 1 4 42 upon 5 3 ज़ा 15. So here 15 is a common one, so here 15 once only will write down, 25 plus 1 4 14.
sorry, it's 42. 42 is equals to, now 4, 2 plus 5, it's 7. Then 2 plus 4, it's 6. So it's 67 upon 15 is the answer of the question. Now we have did the two questions. Third question you will do by your own. We are going further with the fourth question. In the fourth question, again the mixed fraction is given to us. So we are supposed to solve it to make it in the proper fraction. So for this, again 2 into 11 plus 3 upon 11 plus 13 into 77 plus, stop the bit. Now we are starting with the fourth question. As we have completed our third question, third you will do by your own. First two we have did by us. Now fourth question we are doing here. 2 upon 3 by 11, then 1, 3 upon 77. So here again the mixed fraction is given. So 2 into 11 plus 3 upon 11 plus 1 into 77 plus 3 upon 77. So here 2 elevens are 22 plus 3 upon 11 plus 77 plus 3 upon 77. So that will be equals to 25 upon 11 plus 77 plus 3 is equals to 80 upon 77. Now here we are having the two fractions as 25 upon 11 plus 80 upon 77. So here what we are going to do, here we are having 25 and 11. So we know that in the table of 11, 77 do comes. So that's why we will multiply the 11 with the 7 to make it 77. So here it will becomes 25 into 7 upon 11 into 7 plus 80 upon 77. Like that way we will keep. So here 5 sevens are 35. Then 7 twos are 14. 14 plus 3, it becomes 17. So it is 175 upon 77 plus 80 upon 77. So here we will write down 175 plus 80 upon 77, then it will be equals to 80 plus 5, so 0, then 8 plus 7, it's 15, so 5, 8 plus 7, it's 15, 15 ka 5, 1 will be carried forward, so here it becomes 2, so 255 upon 77 is the answer of the addition. Like this way we have solved our fourth sum also. Now we'll move with the second question. Now I'm reading the second question. Kindly listen it very carefully. Carry out the following subtraction involving the rational numbers. Now what we are supposed to do, we have did the addition. Now similar way we are going further with the subtraction of the rational numbers. So first one is given to us 7 upon 11 minus 3 upon 7. So here again we are supposed to see the denominator should be same. So here 7 upon 11 into what we are supposed to do? We are supposed to multiply the 11 by the 7 to make it 77, and 7 should be multiplied by the 11 to make it 77. So here into 7
माइनस 3 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 11 लाइक दिस वे. सो 7 7 जा 49 अपॉन 77 माइनस 33 11 3 जा 33 अपॉन 77. सो दैट विल बी गिव्स अस 49 माइनस 33 अपॉन 77. सो दैट विल बी इक्वल्स टू नाउ 9 माइनस 3 इट्स 6 4 माइनस 3 इट्स 1 सो 16 अपॉन 77 इज द आंसर. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. In the third question, we are having 1, 2 upon 3, minus 3, 5 by 6. So, here we have made it into the proper fraction. So, 3, 1s are 3 plus 2 upon 3 minus 3 into 6 plus 5 upon 6. So, that will give us 5 upon 3 minus 23 upon 6. So, here we know that as we have compared both of the denominators, we come to know that the 6 is coming in the table of 3 at the place of 2. So here we only be going to multiply this fraction, that 5 upon 3. So it will be 5 into 2 upon 3 into 2 minus 23 upon 6. So that will be 5 to the 10 upon 6 minus 23 upon 6. Now 23 is bigger than the 10, so that's why 6 10 minus 23. So if we will subtract, so we are getting here minus 13 upon 6. So this is the answer of the given fraction. Now we will solve the fourth question. The fourth question is given to us 4, 1 upon 2, minus 3, 1 upon 3. So again we are making it in the proper fraction. 4 into 2 plus 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 1 upon 3. So that will be 4 2s are 8. 8 plus 1, 9. 9 upon 2. Minus 3 3s are 9. 9 plus 1, 10. 10 upon 3. Now, as we compare the denominator of both the fractions, we come to know that 1 is the 2, 1 is the 3. So what we will do, we will multiply this 2 by 3 and this 3 by 2 so that the denominator will become 6 and common for both. So here 9 into 3 upon 2 into 3 minus 10 into 2 upon 3 into 2. So that will be equals to 9 3s are 27 upon 6 minus 10 into 20. So here 10 into 2 is equals to 20, then 2 3s are 6. So here 27 minus 20 upon 6. So the answer will be 27 minus 20 is equals to 7 upon 6 is the answer of the given fraction. So here we have completed till here the addition and subtraction of the rational numbers. Next of the practice set 22, that question number 3 and 4 we will going to complete by tomorrow inshallah in the next video. Before ending up, I want to request you to like the video and subscribe the channel. Assalamu alaikum, jazakallahu khair.